नमस्कार, सिटी चैनल के दर्शकों को हेल्थ केयर प्रोग्राम में मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, इस चैनल के और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि शहर में चलने वाली हर अच्छी गतिविधियों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करें और उसमें आपको सहभागी बनाएं। साथ ही साथ ये प्रयास होता है कि इसमें सम्मिलित शामिल जो महत्वपूर्ण लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनका योगदान हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। पिछले हफ्ते जब आपसे बातचीत हुई तो हमने ह्यूमन मिल्क बैंक यानी मानवीय दूध पेड़ी के बारे में चर्चा की थी। इस एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे शहर में यह ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित होने जा रहा है, जिसका मुख्य श्रेय रोटरी क्लब ऑफ अमरावती को है। इसकी उपयोगिता के बारे में हमने देखा था कि ये सभी उन बच्चों के लिए उपयोगी जिनको किसी कारण से माँ अपना दूध नहीं दे पा रही हो। साथ में हमने देखा था माँ के दूध के फायदे क्या हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर किसी कारण से माँ का दूध नहीं मिल रहा हो तो उसे जो ऊपर का दूध मिलता हो, चाहे वो किसी जानवर का हो या कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल दूध हो, तो निश्चित तौर से बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। हमने देखा था कि इस दूध को, इस ब्लड ह्यूमन मिल्क बैंक को चलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मित्रों, उसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनलिस्ट आज हमारे साथ जो हैं, पहले मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। मेरे एकदम बाईं ओर डॉक्टर राजेश जी बूब हैं, जो रोटरी क्लब के एक्टिव सदस्य हैं और आईआईपी अमरावती के पास प्रेसिडेंट। राजेश, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे बाईं ओर डॉक्टर पुष्पा जी सोमवंशी हैं, जो पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 30 वर्षों संलग्न हैं। मैडम को श्रेय है कि इन्होंने अपने हाथ के नीचे से काफ़ी MBBS और गायनेकोलॉजिस्ट निकाले हैं और हर सामाजिक उपक्रम में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैडम, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर सतीश जी तिवारी हैं, जो आईपी अमरावती के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, टीचिंग प्रोफेशन से पिछले 30 वर्षों से एसोसिएटेड हैं और स्टूडियो में आने का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि जिस विषय पर हम चर्चा करते हैं उस विषय के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं कि IYCF इन्फेंट एंड चाइल्ड फूड, इस विषय के ये संस्थापक अध्यक्ष हैं और भारत सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें इस विषय के जो दिशा निर्देश मांगे गए थे, सर का उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरे एकदम दाहिनी ओर सुभाष जी यादव हैं, जो रोटरी क्लब के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं और इस प्रोजेक्ट को अमरावती में लाने में और उसे पूरी तरह साकार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। सुभाष जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मित्रों, एक स्टडी हुई थी जहाँ पर 1000 ऐसे बच्चे लिए गए कि जिनको सिर्फ माँ का दूध मिला और 1000 ऐसे बच्चे लिए गए जिनको माँ का दूध बिल्कुल नहीं मिला। तो ऐसा पाया गया कि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिला उनको तकरीबन 2000 बार किसी न किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इन बच्चों को ज़्यादा बार दवाखाने भर्ती होने काम पड़ा या इन्हें किसी न किसी रोग के लिए दवाइयाँ मिली। संक्षेप में अगर हम कहें तो माँ का दूध यह न केवल पोषण है बल्कि रोगों से बचाव का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस बैंक की हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसमें कोई डोनर तो लगेंगे, तो इसमें ऐसी कौन सी माएँ हैं और कौन सी माएँ हैं जो अपना दूध दे सकती है और कौन सी माएँ जिनका दूध हम लोग लेने से इनकार करते हैं, मतलब इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? ये डोनर जो रहेंगी वो अपने बच्चे को खुद का दूध जो पिला रहेंगी, लैक्टेटिंग मदर्स, वो रहेंगी डोनर्स। ये स्वस्थ महिलाएं रहनी चाहिए जिनको कोई बीमारी ना हो। बीमारी मेरा मतलब डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां नहीं, लेकिन जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे HIV पीड़ित या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसी बीमारी जिनको हो, ऐसी बीमारी ना हो, ऐसी ही महिलाएं हम चुन सकते हैं। फिर जिनके खुद के बच्चे को उनका दूध बराबर
दे सकती है वो, यानी कम ना पड़ रहा हो ऐसी ही महिलाएं, यानी खुद के बच्चे का भी उनका पेट भरना चाहिए और उसके अलावा और वो दूध तैयार कर सकती है, ऐसे महिलाएं डोनर करके रह सकती है। जितने भी महिलाओं की डिलीवरी जज की हॉस्पिटल में होती है उनकी तो काफ़ी अलग अलग जांच पहले से हुई रहती है, जैसे सिफिलिस है क्या उनको, या फिर एचआईवी का इन्फेक्शन है क्या, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है क्या, ये देखा गया रहता है पहले से। लेकिन यदि वो टेस्ट हुई नहीं रही तो ये जो माँ बैंक में डोनेट करना चाहती है अपना दूध, ये सब टेस्ट करने के लिए उनकी तैयारी रहनी चाहिए। और जो महिलाएं किसी वश किसी भी कारण यदि दूध कम तैयार होता है ऐसा उनको लगता है, जो खुद के बच्चे को ही दूध बराबर नहीं दे सकती, तो उनको हम काउंसल्ट कर सकते हैं कि खुद के बच्चे को तो पिला ही सकती है, लेकिन यदि देना चाहती है, उसकी खुद की इच्छा यदि रही कि बैंक में भी डोनेट करना है उसने, तो बिल्कुल वो दे सकेंगी। मैम, किसी महिला को अगर मान लीजिए आप बता रही हैं कि अगर बीमारी हो तो उसको हम अलग कर देते हैं, या तो उनकी ऑलरेडी जांच हो चुकी होती है उनकी जांच करते हैं, पर अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी महिला को कोई दवाई चल रही है तो क्या ऐसी महिलाओं को हम उसमें शामिल करते हैं? दवाइयाँ जैसे मैंने बताया कि किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उसकी दवा चल रही होगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी महिला को ब्रेस्ट का यानी स्तन का ही कुछ इन्फेक्शन रहा तो वो भी महिलाएं छोड़ देती है, यानी उन्होंने डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके दूध से इन्फेक्शन बच्चे को जा सकता है दूध के द्वारा, तो ये डोनर करके नहीं रह सकती। तो मैं ऐसे डोनर के लिए क्या हमको उनकी परमिशन लेनी होती है, हमको उनकी कंसेंट लेनी होती है कि भाई आप डोनेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेगी? वो तो वॉलेंट्री रहेगा। अच्छा, तो कंसेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो महिला की इच्छा होगी तो ही वो देगी। सर, आप डॉक्टर सतीश, मेरे ख्याल से इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन राष्ट्रीय लेवल पे हुआ है, काफ़ी बार ये बात निकली है, तो कंसेंट या जो इसका परमिशन है ये हमें दोनों से लेनी है, जो मदर डोनेट कर रही है उससे भी लेनी है, और जिस बच्चे को दूध दिया जा रहा है उसके जो माँ पिता जी उनसे भी कंसेंट लेनी है। उनको हमें बताना पड़ता है कि माँ का दूध हम ले रहे हैं, और इससे कई बार ये बीमारियाँ होने की संभावना रहती है, हमने वो बीमारियाँ ना हो उसकी सारी तैयारी की है, उसकी सारी जांच हमने की है कि उनको ये बड़ी बीमारियाँ जो सोमवंशी मैडम ने कहा है, तो ये सारी चीज़ें आजकल जैसा ह्यूमन राइट का ज़माना है तो हर व्यक्ति को ये उसका जन्मसिद्ध हक है कि भाई उसे हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं इसके बारे में जानकारी रहे, तो इसलिए उनको कंसेंट लेना, उनका परमिशन लेना जरूरी है। और ये दोनों तरफ से लिया जाता है, जो दे रहा है उसे भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका दूध है या दूसरे बच्चे को दिया जाएगा, आपकी उसके लिए तैयारी है कि नहीं, और जिस बच्चे को दिया जा रहा है उसके माँ पिता जी से भी ये लिखवा लिया जाता है कि हमें दूसरी माँ का दूध दिया जा रहा है, उससे कुछ बीमारियाँ होने की संभावना है, लेकिन उसकी सारी जाँच हो चुकी है कि वो बीमारी आपके बच्चे को नहीं होगी, इस तरह का कंसेंट लिया जाता है। एक तरह की ये एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी है। हाँ। कि प्रोटोकॉल के साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। तो सर, इसमें जो एक दूसरा मुद्दा आता है कि इसमें जिस माने दी गई जो दूध दे रही हैं, तो उस विषय में हम उसकी निजता यानी प्राइवेसी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या मेंटेन करते हैं, ये जरूरी है? बिल्कुल, ये तो एकदम जरूरी है, क्योंकि जो बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं या सोमवंशी मैडम ने बात की है, वो बीमारी कई बार रहती पता चलता है तो ना तो वो माँ चाहती है ना उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि बाकी लोगों को पता चले, तो इसलिए पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, निजता रहती है, और जिसको दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है ये भी सारी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहती है। और किसी का यदि दूध किसी कारण से नकारा भी गया है तो भी हम उसके कारण ये नहीं बताएंगे कि दूध क्यों नकारा गया है, ताकि बाकी लोगों को पता ना चले, और इस तरह से पूरी निष्ठा रखी जाती है।
तो सर एक तरह से हम ये समझें कि अगर कोई माँ इस तरह से अगर डोनेशन के लिए तैयार हो तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो कि इन बीमारी का पता भी लग जाए। हाँ, अगर जांच होती है तो जो पहले उसको बीमारी नहीं थी उस बीमारी का पता भी लग जाए, तो एक ये अप्रत्यक्ष उसको फायदा भी फायदा। तो अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, अगर हो तो भी उसे वो बीमारी का पता लग सकता है। तो मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात डॉक्टर सतीश तिवारी सर ने हमसे कही है कि किसी भी माता बहन को इस विषय में पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर वो दूध दे रही है तो उसकी निजता को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, अगर वो स्वस्थ है तो भी या उसमें कोई बीमारी हो तो भी। साथ ही अगर जिस बच्चे को दूध दिया जा रहा है उसके माता पिता को भी पूरी तरह से विश्वास में लेके और उनको पूरी प्रोसीजर के बारे में बताकर फिर ही दूध दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता है। सर फिर ये जो दूध जिसको हम जमा कर रहे हैं, तो मैडम ने जो पहला एस्पेक्ट पहला पहलू बताया कि डोनर कौन है, तो हम दूसरा पहलू देखेंगे इसके रिसिपिएंट किन बच्चों के ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जैसा हमने पिछले हफ्ते किया था, जो कम वजन के बच्चे उन्हें तो हम ये दूध दे सकते हैं, उसके साथ में जो बच्चों को कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे कई बार मैंने कहा कि आंतड़ियों का विकास बराबर नहीं हुआ है, या बाहर कैदी दूध देते तो आंतड़ियों की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है कई बार जानवर के दूध से या बॉर्डर के दूध से, तो ऐसे बच्चों में माँ का दूध बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग माँ का दूध दे सकते हैं। सो कई बार बच्चे जो छोटे होते हैं, कम दिन के या कम वजन के होते हैं, उनमें यदि इन्फेक्शन होता है या जंतु का ये जमा हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, तो कई बार वो खून में फैल जाते हैं और कई बार दिमाग तक भी फैल जाते हैं वो जंतु। तो ऐसे बच्चों का जो शरीर का रोग प्रतिकार शक्ति हम लोग बोलते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो कई बार जो दवाई भी देते हैं बाहर से, एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती है, उतनी अच्छे तरह से काम नहीं करती है। तो ऐसे बच्चों को यदि माँ का दूध मिल जाता है, उसकी माँ का हो या किसी और माँ का भी हो, तो उनका जो बचने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। हमने जैसा कहा कि हमारे यहाँ कम बच्चे जो कमज़ोर है बचते हैं, दूसरे विकासशील देशों के हिसाब से भी हमारे यहाँ थोड़ा मृत्यु दर ज़्यादा है, तो माँ का दूध यदि मिल जाएगा तो ये मृत्यु दर कम करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, खासकर जो बच्चे कम वजन के हैं, कम दिन के हैं, जिनको कुछ आंतड़ियों में बीमारी है, पेट फूला है, दूध पच नहीं रहा है, या जिनमें जंतुओं का संक्रमण इतना हो गया है कि पूरे शरीर में जंतु फैल गए हैं, तो ऐसे बच्चों में ये दूध काफ़ी फायदेमंद है। मैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक तथ्य है कि बाल मृत्यु दर में किसी भी देश की स्वास्थ्य यंत्रणा कैसी है ये जांचने के लिए कि उस देश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर क्या है, इससे उस देश की आरोग्य व्यवस्था स्वास्थ्य यंत्रणा का पता चलता है। हमारे देश में इसे अंडरफाई मॉर्टिलिटी कहते हैं, हमारे देश में कुछ वर्षों में इस अंडरफाई मॉर्टिलिटी में गिरावट आई है। साथ ही में दूसरा जो एक पैमाना होता है वो होता है शिशु मृत्यु दर। दुर्भाग्य से जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में गिरावट आई है, इस शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। हम सभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाल रोग विशेषज्ञों की ये कोशिश रही है इसे हम और नीचे ला सकें। जब इसके तथ्यों की पड़ताल हुई तो ऐसा पाया गया ये मृत्यु सबसे ज़्यादा कम उम्र और कम वजन के बच्चों में होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जन्म लेने वाला हर 3 में से 1 बच्चा कम वजन का है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या इस समस्या से जूझ रही है। दुर्भाग्य से अगर इसमें से जिस तरह से डॉक्टर तिवारी सर ने कहा कि इन बच्चों को यदि किसी बेबी यूनिट में रखा जाता है, किसी तरह का कोई ऑपरेशन होता है, बहुत लंबे तक उसको वहाँ रुकना पड़ता है, तो समस्या होती है उसके पोषण की। अब तक इसका उपाय या तो जिसे हम सलाइन कहते थे, आईवी फ्लूइड्स कहते थे, वो होता था, या फिर माँ के दूध का पर्याय यानी ऊपर का किसी जानवर का दूध या पाउडर का दूध होता था। और जैसा पिछली चर्चा में हमने देखा कि माँ का दूध इन सबसे कहीं ज़्यादा उपयोगी है, तो फिर प्रश्न उठता है कि ये दूध हमें कहाँ से मिलेगा। इसी प्रश्न को लेकर
जो उत्तर निकला है वह ह्यूमन मिल्क बैंक। सर ने बताया कि यूँ तो माँ का दूध हर बच्चे के लिए उपयोगी, पर अगर इसकी प्रायोरिटी प्राधान्यता निश्चित की जाए तो ये जो कुछ विशिष्ट वर्ग हैं कि जिनमें छोटी उम्र के, कम उम्र के, कम वजन के बच्चे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ, जिनको बहुत समय तक वहाँ रहना पड़ा, या जिनको सेप्सिस यानी जिनके पूरे शरीर में जंतु हुआ, यह दूध उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और गुणकारी सिद्ध हुआ है। मित्रों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा जारी है ह्यूमन मिल्क बैंक पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।